कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 150 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब की ओर से टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के पहले दिन लगभग 1300 युवाओं ने भाग लिया। 17 से 24 अक्टूबर तक चलने वाली भर्ती रैली के पहले दिन पंजाब के युवाओं ने भाग लिया। मेजर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये भर्ती रैली की सामान्य ड्यूटी के लिए 132 पदों व अन्य 10 ट्रेडों के लिए आयोजित की जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 150 इन्फेंट्री बटालियन टीए पंजाब की ओर से टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए पहले दिन लगभग 1300 युवाओं ने भाग लिया। 17 से 24 अक्टूबर चलने वाली भर्ती रैली के पहले दिन पंजाब के युवाओं ने भाग लिया। 19 से 20 अक्टूबर को हिमाचल के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी। 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी। 22 से 23 अक्टूबर हरियाणा के युवाओं की सैनिक सामान्य ड्यूटी भर्ती होगी। 24 अक्टूबर को पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व दिल्ली हरियाणा के युवाओं के लिए ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। भर्ती रैली में भाग लेने वालों के लिए शारीरिक मापदंडों में आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर और वेट 50 किलो रखा गया है। भर्ती रैली में जनरल ड्यूटी के 132 ट्रेड्समैन के 10 पदों सहित कुल 142 युवाओं का चयन किया जाएगा। मेजर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये भर्ती रैली में सामान्य ड्यूटी के लिए 132 पदों व अन्य 10 ट्रेडों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। उन्होंने युवाओं से दलालों से दूर रहने का आह्वान भी किया। इस भर्ती में जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे मेरिट पे भर्ती हो रही है। इनका रिटन भर्ती जो रन फिजिकल टेस्ट के बाद एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 1 दिसंबर 2019 को कंडक्ट होगा। और मापदंड जो हाइट का मापदंड है वो 160 सेंटीमीटर है। और जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिटन एग्जाम के लिए अपेयर करना है। किसी भी कैंडिडेट के लिए रिटन एग्जाम देना आवश्यक है। मेरिट बनेगी उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सर दौड़ जो कितने मिनट की हो रही है, हाइट कितनी है, एज कितनी लग रही है सर? दौड़ मेरिट पे है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो ऑथराइज स्टैंडर्ड के हिसाब से भर्ती हो रही है। जो भी मेरिट में आता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन का जो मापदंड है हम मेरिट को देख रहे हैं और मेरिट ही एक क्राइटेरिया। सर किस किस तिथि को किस किस से भर्ती मेरिट पे हो रही है? आज फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद एक रिटन एग्जाम है। सारे कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम में अपेयर करना है जो कि 1 दिसंबर 2019 को होगा। भर्ती की तिथि इस प्रकार है, 17 और 18 तारीख को पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है, 19 और 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स की भर्ती है, 21 को JNK, चंडीगढ़ और दिल्ली के कैंडिडेट्स की भर्ती है, 22 और 23 को हरियाणा के कैंडिडेट्स की भर्ती है, 24 तारीख को सारे ट्रेड्समैन में 10 वैकेंसी हैं जिसमें कि क्लर्क 4, हाउसकीपर 1, मेसकीपर 1, शेफ 2, हेयरड्रेसर 1, टेलर 1, कुल मिला के 10 कैंडिडेट्स की भर्ती है ट्रेड्समैन के लिए, जिसका कि सेना में एक बहुत अहम रोल होता है। सारा सपोर्ट स्टाफ है और उनका एक बहुत ही अहम रोल है। हाल के चक्कर में ना पड़े, हम बिल्कुल फेयर और फ्री भर्ती है। सेना की भर्ती है डिसिप्लिन, ईमानदारी, ये परम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देश की बात है और देश में डिसिप्लिन के अलावा और कोई क्राइटेरिया ही नहीं सेना में भर्ती होने का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।